कल की 2898 AD का टीजर देखा मैंने. द टीजर इंट्रोड्यूसेस बिग बी अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा. फाइनली प्रभास और अमित जी साथ में नजर आने वाले हैं. मजा आने वाला है. जस्ट इमेजिन प्रभास और अमित जी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस टुगेदर. धमाल मचने वाला है. टू टावरिंग पर्सनैलिटीज टुगेदर. वाओ. तो टीजर में हम देखते हैं कि एक बच्चा अमित जी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी इन सब भाषाओं में पूछता है कि वो कौन है, क्या वो भगवान है वगैरह वगैरह. इंटरेस्टिंग नहीं है? तो ये एक मिनट का टीजर, लेकिन इस एक मिनट में 4 से 5 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. बच्चा अलग अलग भाषाओं में एक के बाद एक सवाल पूछता है. तो शायद से द डायरेक्टर वॉन्ट्स टू कन्वे टू द ऑडियंस कि भाई फिल्म इन सब भाषाओं में अवेलेबल है. शायद से लगता तो कुछ ऐसे ही है. एनीवेज टीजर काफी इंटरेस्टिंग है. अपने अमित जी एस अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के बेटे हैं, लुक्स इलेक्ट्रिफाइंग. इस उम्र में भी अमित जी हैज़न्ट लॉस्ट हिज चार्म, हिज मैजिक. उनका स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी उफ अभी भी कातिलाना है. फाड़ दिया उन्होंने. सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि अमित जी जवान के शाहरुख की तरह चिंदियों में क्यों नजर आते हैं. डू यू हैव दी आंसर्स? इफ यस तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना जरूर. कल्कि इज अ साईफाई डिस्टोपियन फिल्म जिसमें लीड रोल में है प्रभास और साथ में है कमल हासन और दीपिका पडुकोण भी. दिस मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम महाभारत टाइम्स एंड एंड्स इन 2898. कल्कि विष्णु जी के आखिरी अवतार माने जाते हैं जो कि बुराई का विनाश करने कलयुग के अंत में आएंगे. तो मेरे हिसाब से मूवी में ये जो अवतार है वो 2898 में आते हैं, जिनका इंतजार अमित जी करते हैं. आई मीन अश्वत्थामा कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन के यंगर वर्जन को भी दिखाया गया है. इज़न्ट इट वंडरफुल? थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कोई भी कभी भी बुढ़ा या जवान बन सकता है. मेड ऑन द बजट ऑफ 600 crores कल्कि इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म एवर मेड. इट बेटर बी गुड नोइंग द हिस्ट्री ऑफ प्रभास. ऐसा ना हो कि फिर फिल्म मेकर्स को अमित जी के चिंदीज पहनने पड़े. लेट मी टेल यू कि ये मूवी 9 May को रिलीज हो रही है. तो आपको क्या लगता है, विल दिस मूवी टर्न आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर और जस्ट अनदर आदि पुरुष?